नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल के ऊपर आप तमाम दोस्तों का स्वागत है। हेटर्स की फटके हाथ में आ चुकी है भैया। जिस तरीके के रिव्यू आप देख लो यूट्यूब के ऊपर, आपको कहीं ज्यादा ढेरों वीडियो मिल जाएगी। आप पब्लिक का ओपिनियन देखो, एसआरके के लिए पब्लिक का क्या प्यार है, और जिस तरीके के रिव्यूज आ रहे हैं अनबिलीवेबल भैया। फिल्म का रिव्यू मैंने दे दिया है आपको, मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर उस वीडियो का मैंने लिंक भी दे दिया है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पठान 2 के बारे में, क्या पठान 2 आ सकती है, और यहाँ पे जिस तरीके की पठान 1 ने यहाँ पे भैया परफॉर्मेंस की है, कहीं ज्यादा रिकॉर्ड्स यहाँ पे ब्रेकआउट कर लिए, और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एडवांस बुकिंग। सुबह तो भैया रिपब्लिक डे है, सुबह भी छुट्टी है, और यहाँ पे आज के दिन जितना ज्यादा क्राउड यहाँ पे थिएटर्स के अंदर देखने को मिला, चाहे मुंबई हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे कोलकाता हो, हर जगह के ऊपर एक बहुत बड़े लोगों ने इस मूवी को यहाँ पे देखा है, और यहाँ पे जो एक्सपीरियंस रहा है अनबिलीवेबल भैया। सिद्धांत आनंद को मैं दोनों हाथों से सलाम करता हूं कि भैया इस बंदे ने जिस तरीके से यहाँ पे इस मूवी को प्रेजेंट किया है, जिस तरीके का एक्शन देखने को मिला है, जिस तरीके का यहाँ पे भैया बीजीएम है, और यहाँ पे जिस तरीके की भैया सल्लू भाई की एंट्री है, ओहो क्या बोले भाई इस मूवी के बारे में, और यहाँ पे जो अपने एसआरके की यहाँ पे एंट्री दिखाई गई है, अनबिलीवेबल भैया, गूस पंप्स आ जाते हैं। इस मूवी को काफी ज्यादा पॉजिटिव रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, और ऐसा हम यहाँ पे एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, क्योंकि देखो 4 साल के बाद बॉलीवुड के अंदर कुछ ऐसी मूवीज आई है जो कि यहाँ पे भैया दिल को तोड़ देती है। बिल्कुल यहाँ पे भैया ठप पड़ गया था बिजनेस, यहाँ पे जो थिएटर्स थे वो यहाँ पे बिल्कुल तरीके से डाउन पड़े हुए थे, यहाँ पे कोई ऐसी ढंग वाली मूवी नहीं लग रही थी जिसको हम जाके यहाँ पे देखें, और कुछ ऐसे बिजनेस थे, कुछ ऐसे थिएटर्स थे जो कि बिल्कुल तरीके से बंद हो पड़े थे। पठान के आने की वजह से उनका रोजगार शुरू हुआ है, और उनके थिएटर्स के अंदर 4 चांद लगे हैं। तो भैया इस तरीके की यहाँ पे इस मूवीज को आना चाहिए, क्योंकि ये जो है वो बॉलीवुड के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। और जो ओवरसीज की यहाँ पे हम बात करें, तो ओवरसीज के अंदर यहाँ पे भैया दुबई के अंदर भी शो स्टार्ट हो चुके थे रात को, और यहाँ पे यूएसए के अंदर भी शो स्टार्ट हो चुके थे, और वहां से भी खबरें निकल के आ रही है कि जो रिव्यूज है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है। ओवरसीज के अंदर भी एसआरके के चाहने वाले बहुत ज्यादा है, और वहां से भी जो रेस्पॉन्स मिल रहा है अनबिलीवेबल। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप इस पठान मूवी के बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, और अगर हम बात करें पठान 2 के बारे में, तो यहाँ पे भैया हो सकता है कि जिस अंदाज से यहाँ पे मूवी को एंड किया गया है, तो कहीं ना कहीं इसका सीक्वेंस बनना भी चाहिए, और यहाँ पे बनेगा, क्योंकि एसआरके यहाँ पे भैया एस्पायर यूनिवर्स के अंदर एंट्री मार चुकी है, और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि भैया टाइगर जिंदा है वार 2 का यहाँ पे भैया जो है वो एक सस्पेंस क्रिएट होता है, और ये तीनों फिल्म एक मिर्च मसाला पठान 2 के अंदर आ सकते हैं, और कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूं कि पठान 2 आएगी, डेफिनेटली आएगी। अब ये कब आती है, इसकी कब डेट अनाउंस होती है, हम इसी चैनल के ऊपर बात करते रहेंगे, लेकिन जिस तरीके का यहाँ पे माहौल क्रिएट किया है पठान ने, हम यहाँ पे यही विश करते हैं कि भैया भगवान कृष्णा इस मूवी को और ज्यादा कामयाब करे, क्योंकि जितना ज्यादा ये कमाई करेगी उतना देश को फायदा है, देश की जनता को फायदा है, और एसआरके तो भैया दिल में बसते हैं, तो भैया हम ये पूरी होप करते हैं कि पठान मूवी ज्यादा से ज्यादा कमाई करे, और इस मूवी ने भैया जितने रिकॉर्ड ब्रेकआउट किए हैं अनबिलीवेबल मानना पड़ेगा। एसआरके की बनवास जो है वो पॉजिटिव साबित हुई, और ऐसी मूवी देखना, और यहाँ पे जो पैसा वसूल जा रहा भैया जो मूवी है वो यहाँ पे पठान है, तो आप जाइए देखिए थिएटर्स के अंदर, और आपका जो ओपिनियन है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप पठान के बारे में और यहाँ पे न्यूज जानना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल और आइकन लाजमी प्रेस कर लीजिए ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ, ख्याल रखिएगा, हमें जात हरे कृष्ण।